हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बैंक एग्जाम टुडे के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को हम एपिक्स कोर्ट और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एपिक्स कोर्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहां बताया गया है। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के फिफ्थ पार्ट के फोर्थ चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। जनरली तीन टाइप के कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल केसेस सॉल्व किए जाते हैं, हाई कोर्ट में स्टेट लेवल केसेस सॉल्व किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में नेशनल लेवल केसेस सॉल्व किए जाते हैं। याद रखिएगा, हाई कोर्ट के कुछ केसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इन तीनों कोर्ट्स में से सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी लोगों को मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का मेन फंक्शन होता है सिटीजन के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से पहले इंडिया में फेडरल कोर्ट हुआ करता था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह से बना था। इस कोर्ट का मेन फंक्शन हुआ करता था फेडरल स्टेट्स और प्रोविंसेस के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया। 28 जनवरी 1950 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और इसे आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को हम हाईएस्ट जुडिशियल फोरम, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील और हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हेड को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जगदीश सिंह केहर, इनसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे टीएस ठाकुर। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो याद रखिएगा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एच जे कनिया। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस होते हैं। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में टोटल 31 जजेस होते हैं, इनमें से 30 नॉर्मल जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। तो याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब कभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। इंडिया में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला इकलौते ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पड़ती हैं। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है अगर वो इंडिया का सिटीजन हो, वो हाईकोर्ट में जज हो एटलीस्ट 5 साल तक, या फिर वो हाईकोर्ट में एडवोकेट हो एटलीस्ट 10 साल तक। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं चाहिए होती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 इयर्स होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है।
याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ वही केसेस इंक्लूडेड होते हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व किए जा सकते हैं और किसी और कोर्ट में नहीं, जैसे कि डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स और डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हैं कुछ केसेस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किए जा सकते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में वो सारे लोअर कोर्ट के केसेस इंक्लूडेड होते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में तीन टाइप के केसेस इंक्लूडेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है उनकी एडवाइस के लिए किसी पर्टिकुलर मैटर पर। इस प्रोसीजर को हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। हाई कोर्ट को हम हेड ऑफ जुडिशरी इन स्टेट बोलते हैं। याद रखिएगा इंडिया में टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं और इनमें से कुछ हाई कोर्ट्स कॉमन हैं सर्टेन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का हाई कोर्ट सॉल्व करता है केसेस महाराष्ट्र, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली के। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया कौन सी है। तो याद रखिएगा ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया कैलकटा हाई कोर्ट है और ये एस्टैब्लिश हुई थी 2 जुलाई 1862 में। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट में कौन से ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। तो याद रखिएगा हाई कोर्ट में ओरिजिनल, एपेलेट और सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। याद रखिएगा हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलाता है। तो याद रखिएगा हाई कोर्ट के जजेस को ओथ दिलाते हैं उस स्टेट के गवर्नर। हाई कोर्ट के जजेस अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 इयर्स होती है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बन सकता है अगर वो इंडिया का सिटीजन हो, उसने 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस इंडिया में संभाला हो या फिर वो हाई कोर्ट का एडवोकेट हो एटलीस्ट 10 साल तक। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस जो आप लोगों को याद रखने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जजेस ऑफ हाई कोर्ट की सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी और हाई कोर्ट का मेंटेनेंस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मैनेज किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मैनेज की जाती है। ये दो पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है कि रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट में या अथॉरिटी में लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई और हाई कोर्ट जहां पर वो पहले काम नहीं कर चुके। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।